आज हमने की है आर्म रेसलिंग। हमने जो किया है तुम लोग कभी नहीं कर सकते हो। मैंने बॉक्सिंग की है। हम शानदार कर रहे हैं लेकिन हम बहुत कम हैं। तुम्हें पता है आगे हम क्या करने वाले हैं? ऑफर। ये आखिरी टास्क है, इसके बाद पता चल जाएगा स्कूल का सबसे शानदार लड़का कौन है। वैसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम ब्रेक में लड़कियों का स्कर्ट उठाएंगे। दोस्तों जो सबसे ज्यादा स्कर्ट उठाएगा वो जीत जाएगा। क्या ये कैसा टास्क है? डायना के बारे में ऐसा मत सोचो, लड़कियों को ये पसंद नहीं आएगा। इस तरह हम पता करेंगे कि स्कूल का सबसे शानदार लड़का कौन है। हम स्कर्ट ऊपर उठा सकते हैं। ओफो, कैसा टास्क है ये। वैसे भी तुम्हें स्कूल के नए नियम के बारे में पता है क्या? हाँ, लड़कियां पैंट नहीं पहन सकती हैं। बस हो गया, हम ब्रेक में तय कर लेंगे कि स्कूल का सबसे शानदार लड़का कौन है। सो डील। डील। लड़कियों क्या बकवास है ये? क्या मुझे स्कूल बदल लेना चाहिए? ये सारे नियम कितने अजीब से हैं। अभी का तापमान कितना ठंडा है और मुझे स्कर्ट पहनना पड़ रहा है। डायना तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे स्कर्ट पसंद नहीं है, मुझे जीन्स पसंद है। लड़कियों मुझे स्कर्ट में ऐसा महसूस होता है मैंने कुछ भी नहीं पहना है। लड़कियों तुम्हें पता है नियम नियम है, पसंद नहीं आए तुम्हें जबरदस्ती पहनना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये नियम बहुत पसंद आ रहे हैं तो तुम ऐसे ही तैयार होकर आ सकती हो। हाँ तो लड़कों पैंट तो बहुत आरामदायक है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोग कुछ ऐसा नियम बना दे कि तुम्हें बिना पैंट के आना पड़े। सिर्फ तुम्हारे सपने में। चलो अच्छा है कि हम लोग लड़कियाँ नहीं है इसलिए हम पहनेंगे पैंट्स। हाँ लड़कियों तुम हैरान हो जाओगी। जी माँ लेकिन ऐसा क्यों है बताओ? गर्ल्स क्या ये स्कर्ट ठीक है? सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ, हमें स्कर्ट पहनना जरूरी है और हर जगह सीढ़ियाँ हैं। लैला मैं भी ये प्राइवेट स्कूल से बहुत हैरान हूँ, ये बहुत ही गलत पागलपंथी है। लड़कियों मेरी स्कर्ट देखो, ये कितनी पतली है, कोई तूफान इसे ऐसे नहीं उड़ा सकता। ओ छोड़ो भी लैला, देखो हमारे स्कर्ट पैराशूट की तरह है, हमें भी टाइट वाले स्कर्ट खरीद लेना चाहिए था, है ना? समझ में आया लड़कियों, मर्शिया समझदार है, उसने टाइट स्कर्ट खरीदा। तो क्या तुमने स्कर्ट पहन लिया? रुक जाओ ठीक है ना? मैंने तुमसे कहा था ये लोग सबसे पहले सीढ़ियों के नीचे ही खड़े होंगे। तुम कोशिश तो करो। मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ। हम देख लेंगे। लड़कियों क्लास के बाद हम कैफे जा सकते हैं ना? हाँ सही कह रही हो। हाँ मुझे हाँ, तो चलते कोई है। हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो चलो करते हैं, आ जाओ। मेरे देखो मेरे कैसे हैं। मेरे अच्छा लग रहे हैं। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है स्कर्ट में। उठा लिया। क्या था? लड़कियों मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या चल रहा है। देखो हमारे लड़के भी स्कर्ट उठा रहे हैं। लड़कियों रुको, लड़कों तुम क्या चल रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने नहीं किया, ये इनकी गलती है। आर्टियम तुम जाकर उनसे बात करो प्लीज। ये क्या है आर्टियम? ये गलत है, लड़कियों भागना चाहिए हमें यहाँ से। ये गलत है, ऐसा मत करो। ये गलत है, नहीं चलो यहाँ से। हाँ जल्दी चलो। हाँ हाँ चार। तुम मेरी तरफ मत आना। मैं स्कूल में सबसे शानदार बनना चाहता हूँ। पाँच। तुम्हें पता है जीमा तुम इन सब चीजों से बच नहीं सकते हो, और ऐसा मजाक बिल्कुल भी सही नहीं है लड़कियों का स्कर्ट उठाना। डायना देखो अभी तुम मुझसे बात मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने मरुषा और जूली का भी स्कर्ट उठाया, साथ हो गए। हाँ तुमने सुना लड़कियों ये क्या चल रहा है, हमें प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। हाँ चलो। हाँ ठीक है चलो करते हैं। हाँ, चलो। अरे हमें बचा लो बचा लो बचा लो, ये कैसे कर रहे हैं लड़के? हमें बचा लो, हमें कर रहे हैं, हमें बचा लीजिए। लड़के वहाँ पर है, वो हमारा स्कर्ट उठा रहे हैं। लड़कियों तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी मदद कर पाएंगी? अंडी जीना कहीं भी मत जाइए यहाँ से प्लीज। मोर्शिया मेरे हाथ पे चोट मत लगा। सॉरी। लड़कों अगर तुमने लड़कियों को छुआ तो तुम लोग बाद में बहुत पछताओगे। आंटी आपके लिए बेहतर होगा कि आप हट जाएं। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। आंटी हम स्कूल में सबसे ज्यादा शानदार बनना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। एक दो तीन। मैंने कहा रुक जाओ तुम लोग। ये लड़के भी, ये लोग तो बिल्कुल मेरी टाइम की तरह ही स्कर्ट उठाते हैं। आंट जीना, आंट जीना। ओहो, हमें भरोसा नहीं हो रहा। हमें बचा लो, वो लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ। क्या उन्होंने तुम्हारा भी स्कर्ट उठाया? ये भयंकर है, हम प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहे हैं अभी। ये स्कर्ट उठाने की वजह से हो रहा है, ये सब स्कूल के नियम के कारण। ये बहुत ही भयंकर है। हम इनका शिकार नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ऑफिस प्रिंसिपल के। जाकर शिकायत करो, शायद तुम्हें कोई मदद मिल जाए।
हो, लड़कियों कौन जाएगा और प्रिंसिपल से बात करेगा? चलो साथ में चलते हैं। नहीं लड़कियों, ये बहुत ही बुरी तरकीब है। साथ में होंगे तो धक्का मार के निकाल सकते हैं। हाँ लड़कियों, लगता है अब लड़के शांत हो गए। नहीं, उन्होंने अभी भी हमारा स्कर्ट उठाया है। मैं तो चाहती हूँ कि हम साथ में प्रिंसिपल के ऑफिस जाएं। हाँ, उन्हें स्कर्ट कैंसिल करना चाहिए। चलो एक एक करके चलते हैं। नहीं लड़कियों, बेहतर होगा कि दो दो करके चलते हैं। नाश्ते, चलो चलते हैं। चलो ठीक है, चलो चलो चलते हैं। हेलो, हम यहाँ शिकायत करने आए हैं। क्या तुम नॉक नहीं कर सकती हो लड़कियों? मुझे समझ नहीं आता है कि तुम नॉक क्यों नहीं करती हो। कौन सी शिकायत? मैं तुम्हारी सारी बात सुन रही हूँ। तुम्हें कौन से नियम पसंद नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं आ रहे हैं। 9A और 10G के लड़के हमारे स्कर्ट उठा रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अजीब नियम क्यों बनाया जिसमें कोई पैंट नहीं पहन सकता और हमें स्कर्ट पहनकर जाना पड़ता है? नास्ते, आराम से बात करो, हमें बाहर निकाल देंगी। डायना, तुम्हारा मतलब क्या है? हमें इसे कैंसिल कराना है। कैसे? मिली स्कर्ट वाली लड़की, तुम्हारा आखिरी नाम क्या है बताओ मुझे। तुम्हारा आखिरी नाम स्कोप्स क्या? हाँ तो तुम सुनो, मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर की जगह तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हें ही सारे नियम बनाने चाहिए था। तो बेहतर हुआ कि दरवाजा खोलो और तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। गुड बॉय यहाँ के लिए, दोबारा मत आना यहाँ पर। हे वहाँ क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ वहाँ पर बताओ? कुछ भी नहीं कर पाए और वो मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। और वो कुछ भी कैंसिल नहीं करने वाली है। मॉर्शिया, जूली, तुम लोग अंदर जाओ, अभी जाओ अंदर। हाँ चलो। हाँ जाओ। हेलो मैम, कैसी हैं? हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपने नया हेयर स्टाइल करवाया है ना मैम? तो लड़कियों जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास तुम्हारी शिकायतें सुनने का समय नहीं है। हाँ तो सुनिए, आपने नए नियम बनाए हैं ना स्कर्ट को लेकर? हाँ, लेकिन हम पर मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत? सारे लड़के हमारे स्कर्ट उठा रहे हैं, हर टाइम उठा रहे हैं। लड़कियों, अगर लड़के तुम्हारे स्कर्ट उठा रहे हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। गुड बाय, यहाँ से जाओ और दरवाजा बंद कर दो। ठीक है ना? दोबारा मत आना ऐसी शिकायतें लेकर। बाय बाय। हाँ तो क्या हुआ बताओ? बताओ हमें क्या हुआ? लड़कियों कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। क्या नहीं हो पाया तुम लोगों से? और जाकर उनसे निपटती हूँ, इसे कैंसिल करा दूंगी। कि मैं तुम्हें ये सलाह नहीं दूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, कि तुम जाओ। मेरी बात सुनिए डियर प्रिंसिपल, मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, मुझे ये नया नियम बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैं सच में सुन रही हूँ? क्या कोई मच्छर भन बना रहे हैं यहाँ पर? सही कहा, मच्छर भन बना रहे हैं। लड़की यहाँ से चले जाओ, गुड बाय। लेकिन आप बहुत सख्त हो। हाँ बताओ क्या हुआ वहाँ पर? लड़कियों कुछ भी नहीं हो पाया, हमें ये स्कूल छोड़ देना चाहिए। मैं ये सब सहन नहीं करने वाली हूँ। वो स्कर्ट कैंसिल करने को तैयार ही नहीं है। ओ, हमने क्या होगा? पहले ही कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। और तुम्हारा क्या नास्ता? वैसे मेरे पास एक तरकीब है, अगर याना और लायला प्रिंसिपल के साथ नहीं निपट पा रहे हैं तो फिर हम अपनी तरकीब लगाने वाले हैं। हाँ चलो लड़ते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। 4, 7, 6, 12, 3 आगे क्या दोस्तों? फिर से ड्रॉ हो गया दोस्तों। तुम्हारा मतलब क्या है? डीमा के 6, अर्थम के 12, मेरे 3 हो गए 21, तुम्हारे पास तो सिर्फ 11 ही हैं। अगर हम 3 होते तो हम लोग जीत जाते। अर्थम ये लास्ट नहीं है, अगला ब्रेक लंबा ब्रेक है, उसमें हम हरा देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल पात्रिक डील। सुनो, तुम हमेशा जीत नहीं सकते हो। लड़कियों वो नियम कैंसिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कोई फायदा नहीं है, उनका ये कहना है कि जो नहीं चाहता है वो स्कूल छोड़कर जा सकता है यहाँ से। लड़कियों चलो इधर आ, मैं बताती हूँ, इधर आ जाओ। मेरे पास एक तरकीब है, क्या सबके पास लॉकर में शॉर्ट्स हैं तो मुझे बताओ। हाँ है। गीगी आ जाओ। किस लिए? हम उन्हें अपने स्कर्ट के अंदर पहन लेंगे और जैसे ही लड़के भागते हुए हमारे स्कर्ट उठाने आएंगे, हम खुद से ही उड़ा देंगे। हाँ। वो हैरान रह जाएंगे, फिर वो हमारे पीछे आना बंद कर देंगे। हाँ, हाँ, सही कहा। हाँ।, हाँ चलो लड़कियों, ये एक ढिंचक तरकीब है। लेकिन हमारे टाइम पे तो शॉर्ट्स पहनना भी मना था, सिर्फ पैंटी पहन सकते थे। एंड जीना, अब हमें लड़कों से कोई डर नहीं है। हाँ, कोई डर नहीं है। लड़कियों ये सबसे लंबा ब्रेक है, प्लीज रुक जाओ, तुम लोग वहीं पे रुक जाओ। पात्रिक हमें सबके स्कर्ट उठाने होंगे शानदार बनने के लिए। सुनो तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, सारे के सारे स्कर्ट्स मेरे हैं। लड़कों अब हमें तुमसे कोई डर नहीं है कि तुम हमारा स्कर्ट उठा दोगे। मैंने भी पहना है और मैंने भी। लड़कों लड़कियां तो बहुत चालाक हो गई हैं, उन्होंने हमें हरा दिया। सिर्फ 3 लोगों ने ही शॉर्ट्स पहना है, बाकियों ने नहीं पहना है। चलो उठाते हैं। रुक जाओ लड़कियों, रुको। ये देखो मैंने भी शॉर्ट्स पहने हैं और हमारे पास पैंटीज है, क्या तुम देखना चाहते हो? तो दोस्तों हम लोग जीत गए, ये है। बिल्कुल। हाँ तो लड़कियों, क्या लड़के अब भी आपके स्कर्ट उठाते हैं तो आप भी हमारे जैसे शॉर्ट्स पहन सकते हैं ऐसे।
अपने लड़कों को हराओ। हाँ सही कहा, जीत जाओ। हाँ बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मुझे पता है कि आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी। और हम मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।